राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदः केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानम् प्रस्तौति। पाठ्यचर्याधारिता श्रृंखला ध्वनिशाला। अस्तु तर्हि चलामः षष्ठ कक्षायाः ध्वनिशालायाम्। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र, भाषा शिक्षा विभाग NCERT दिल्ली से। जैसा कि आपने संस्कृत के बारे में सुना है, संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे समृद्ध, वैज्ञानिक और गरिमापूर्ण भाषा है। हम आज उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए भी हमें हिंदी भाषा में प्रयोग की जाने वाली देवनागरी लिपि में लिखना और उसी के अनुसार उच्चारण करना भी सीखना होगा, और हम इसके लिए यही प्रयास करेंगे। संस्कृत का सबसे पहले अभ्यास या पढ़ने का जो क्रम होता है वह कक्षा 6 से आरंभ होता है। उसके पहले कुछ राज्यों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और सामान्यतः कक्षा 6 से अन्य विषयों के साथ हम संस्कृत को भी पढ़ते हैं। जिसकी पहली पुस्तक रुचिरा है, हम रुचिरा के प्रथम पाठ को आज पढ़ेंगे, जिसमें शब्द परिचय यह पहला पाठ है। शब्द परिचय इसके अंतर्गत हम व्यावहारिक शब्दों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम बोलचाल में कहते हैं, यह क्या है, वह क्या है, इस तरह संस्कृत में भी यह क्या है, समीप के लिए, पास में कोई बैठा है उसके लिए एषः कः, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई गिलास रखा है तो हम उसे क्या कहेंगे, एषः चषकः। प्रश्न क्या होगा, एषः कः, अर्थात यह क्या है, तो इसका उत्तर होगा एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः शब्द का अर्थ होता है गिलास, वह छोटा गिलास है। तो छोटे शब्द को संस्कृत में लघु कहते हैं। तो क्या यह बड़ा है, ऐसा प्रश्न किया तो उत्तर होगा, दूसरा उसका जो दोस्त है साथ में बैठा हुआ वो बोलता है, ना एषः लघुः, नहीं नहीं यह छोटा है। क्योंकि गिलास छोटा दिख रहा है, अगर बड़ा होता तो कह देता आम एषः बृहत्, लेकिन वो बड़ा नहीं है, छोटा गिलास है, इसलिए कहते हैं ना एषः लघुः। अब इसी तरह हम और भी शब्द बोल सकते हैं, जैसे एषः कः, यह कौन है, तो वहाँ पे एक बालक बैठा है तो बताएंगे एषः बालकः, यह बालक है। इसी तरह वृक्ष है तो एषः कः, यह क्या है, तो उत्तर होगा एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। इसी तरह राम है, किसी का नाम
राम है, किसी का मोहन है, किसी का सोहन है। तो एषः कः बताएंगे, एषः सोहनः, एषः रामः, एषः कृष्णः। इस तरह हम एषः का प्रयोग करते हैं। अब अगर दूर में है कोई तो क्या व्यवहार होगा, उसके लिए हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और हमसे 200 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है या 100 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है, तो उसके लिए एषः का प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए सः का प्रयोग होता है। तो हम कहेंगे सः कः, वह कौन है? तो उत्तर होगा सः शिक्षकः, वह शिक्षक है। क्योंकि वो अध्यापक हैं, इसके लिए उनको शिक्षक कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं, दोनों व्यवहार होता है। इसी तरह अगर दूर में दर्जी है तो हम मूल पाठक पुस्तक का देखते हैं, तो लिखा है सः कः, सः शौचिकः, वह शौचिक है, शौचिक अर्थात दर्जी। तो सः कः, सः शौचिकः। अब दर्जी क्या करेगा? तो दर्जी तो निश्चित है कि वस्त्र ही सिलेगा, वस्त्र सिलना उसका काम है। तो प्रश्न फिर से बालक पूछता है, शौचिकः किं करोति? शौचिक क्या कर रहा है? किं सः खेलति? क्या वह खेल रहा है? तो उत्तर देते हैं न, नहीं। सः वस्त्रं सीव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है, वह खेल नहीं रहा है, वह वस्त्र सिल रहा है। सीव्यति का अर्थ है सिलना, या सिल रहा है, या सिलाई कर रहा है। अब हम पूरा वाक्य देखें, सः कः, सः शौचिकः, वह कौन है? वह दर्जी है। शौचिकः किं करोति? किं सः खेलति? न, सः वस्त्रं सीव्यति। शौचिक क्या कर रहा है? क्या वह खेल रहा है? नहीं, वह वस्त्र सिल रहा है। इस प्रकार से दर्जी के स्थान पे हम और शब्द ले करके अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सः कः, वह कौन है? सः जनकः, वह पिता है। तो जनकः किं करोति? क्या कर रहे हैं? तो जनकः पुस्तकं पश्यति, जनक पुस्तक को देख रहे हैं। इसी तरह हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। हिंदी में एक वचन और दो वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बालक है, वे दो बालक हैं, वे बहुत सारे बालक हैं, ऐसा व्यवहार होगा। तो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है, दो वचन बहुवचन के साथ जुड़ जाता है। लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों का ही प्रयोग होता है, और इनको हम पहचान के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं। इनके लिए संस्कृत में विभक्तियां बताई गई हैं, जैसे रामः, रामौ, रामाः। अब यहाँ पर रामः एकवचन, रामौ द्विवचन, रामाः बहुवचन। तो अगर एकवचन का प्रयोग है तो हमको समझना चाहिए कि एक राम है या एक पुस्तक है, जिसके लिए एकवचन का प्रयोग हो रहा होगा। और अगर दो वचन का प्रयोग किया गया तो द्विवचन
को सुन करके हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर दो को कहा जा रहा है, दो लोग हैं या वस्तु की संख्या दो है। और जब बहुवचन का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमें समझना चाहिए कि तीन संख्या है या तीन से ज़्यादा है। चार, पाँच, छः, सात, दस, बीस, हजार, कितनी भी संख्या होगी, तीन से अधिक अगर होती है तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने एक वचन का प्रयोग देखा, अब हम द्विवचन का प्रयोग देखते हैं। जैसे अगर पास में कोई दो हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे, तो वहाँ प्रश्न का स्वरूप क्या होगा, पूछेंगे कैसे, तो उसको लिखते हैं एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ कौ अर्थात ये दोनों कौन हैं। उत्तर होगा, हम पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ पर दो कुत्ते खड़े हैं, तो दो कुत्ते हैं तो द्विवचन का प्रयोग होना है, इसलिए उत्तर होगा एतौ शुनकौ स्तः, अर्थात ये दोनों कुत्ते हैं। स्तः क्रियापद है जिनका अर्थ है हैं। एतौ शुनकौ स्तः। इसी तरह फिर वह पूछता है किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। वो उनकी आवाज आ रही थी गुर्राने की, तो प्रश्न हुआ, पूछते हैं कि किम एतौ गर्जतः। उत्तर देते हैं ना, कुत्ते गरजते नहीं हैं। गर्जना करना तो सिंह का काम है, सिंह गर्जना करता है तो कुत्ते क्या करते हैं, तो कुत्ते भौंकते हैं, इसलिए कहते हैं ना अर्थात नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः अर्थात ये दोनों उच्चैः ऊंचे स्वर में जोर से बुक्कतः अर्थात भौंकते हैं। ये दोनों कुत्ते हैं और जोर जोर से भौंक रहे हैं। दूसरे चित्र में अगर हम पुस्तक में देखेंगे तो उसमें एक किसान है, उसके दो बैल हैं और बैल तंदुरुस्त हैं। किसान खेत में हल के साथ उनको जोत रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, क्योंकि हमें अभ्यास करना है, बोलने का अभ्यास सीखना है, इसलिए लिखते हैं पुस्तक में तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। पहले जो हमने अभ्यास किया था द्विवचन का, उसमें था एतौ अर्थात ये दोनों, और आगे के लिए कह रहे हैं तौ अर्थात वे दोनों, दूर के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ए लगा देने से समीप अर्थ हो जाता है, और ए को हटाने के बाद जब हम प्रयोग करते हैं तो वह दूर के लिए हो जाता है। तो तौ कौ अर्थात वे दोनों कौन हैं। उत्तर देते हैं तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। बलिवर्द शब्द का अर्थ है बैल, लेकिन यहाँ तो बलिवर्दौ लिखा हुआ है, तो हमें ये जानना चाहिए कि ये दो वचन का प्रयोग है। द्विवचन में संस्कृत में जब इनके शब्द रूप बनेंगे तो ऐसे ही होंगे, हर जगह इन सब में देख रहे होंगे, अंतिम में औ औ सुनाई पड़ रहा होगा। ये द्विवचन की पहचान है। तो तौ में औ है, कौ यहाँ पर भी औ है,
बलिवर दऊ। तो हर जगह हम देख रहे हैं अंतिम में आऊ सुनाई पड़ रहा है और ये द्विवचन में ही प्रयोग में देखा जाता है। तो फिर पूछते हैं किम तऊ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। धावतः का अर्थ है दौड़ना। तो किम तऊ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न अर्थात नहीं। तऊ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। क्षेत्रम का अर्थ है खेत और कर्षतः का अर्थ है जोतना। तो वे दोनों खेत जोत रहे हैं। इसी तरह हम बहुवचन का भी अभ्यास करेंगे। एक वचन द्विवचन का हमने अभ्यास किया। अब जैसा हमने अभी किया बैल के लिए और कुत्ते के लिए, वैसे हम और शब्दों को लेकर भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे तऊ कृषकौ स्तः, वे दोनों किसान हैं। किसान तो आप जानते ही होंगे, तो किसान के लिए कृषकः यह शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह तऊ वृक्षौ स्तः, वे दोनों वृक्ष हैं। तो अब वृक्ष जो बड़े जैसे आम का होता है, नीम का होता है, बरगद का, पीपल का, आपने देखा होगा। तो वृक्ष के लिए वृक्षः यही प्रयोग होता है। इसी तरह अध्यापकौ स्तः, जनकौ स्तः, बालकौ स्तः, हर तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। और अगर देखें तो बहुवचन शेष है। अभी हम कुछ शब्दों का बहुवचन भी प्रयोग सीखेंगे। जैसे एते के, अर्थात ए क्या हैं, एते स्यूताः सन्ति, ये सभी बैग हैं। अब हम स्यूत का अर्थ झोला या बैग होता है, हम सामान ढोने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं। आप भी हर जगह आने जाने के लिए बैग का प्रयोग करते हैं, स्कूल जाने के लिए पुस्तकों को रख करके बैग ले जाते हैं, उन्हें आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में झोला कहा जाता। तो झोला के लिए स्यूत शब्द का प्रयोग होता है। स्यूताः बहुवचन, क्योंकि कई हैं। अगर तीन बैग हैं या तीन से अधिक हैं तो वहाँ स्यूताः प्रयोग होगा। और अगर एक हैं तो जैसा पीछे हमने अभी सीखा था, तो स्यूतः, एषः स्यूतः अस्ति। और अगर दो हैं तो एतौ स्यूतौ स्तः। और बहुत होने पर एते स्यूताः सन्ति, ऐसा प्रयोग होता है। तो हम पुस्तक में जैसा लिखा है देखेंगे, एते के, एते स्यूताः सन्ति, ये स्यूत हैं, अर्थात कई झोले हैं। अब कहते हैं इसका रंग कैसा है। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। तो अगर हरे रंग के हैं तो कह देंगे आम, लेकिन हरे रंग के नहीं हैं तो क्या कहेंगे। ना एते हरितवर्णाः, ना एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग। हम देखते हैं लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सफेद, ये सब रंग को ही
वर्ण कहा जाता है। तो किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? तो नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। इसी तरह अगर दूर में तीन लोग हैं, तीन पेड़ हैं, तीन अध्यापक हैं, तीन बैग हैं, या तीन बैल हैं, तीन किसान हैं, तो हम कैसा प्रयोग करेंगे? उसके लिए इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। ते के, वे कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं। अर्थात जैसे हमारे दादा के उम्र के लोग, तो इन्हें वृद्ध कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ते के केवल इतना कहा हमने, अगर आप चाहें तो संति भी कह सकते हैं। ते के संति, वे कौन हैं? और अगर संति नहीं कहेंगे तो भी ते के सिर्फ इतना बोलने से भी संति अर्थात हैं, यह अर्थ अपने आप आ जाता है। ये संस्कृत भाषा की एक विशेषता है कि कर्ता के द्वारा क्रिया का अपने आप बोध हो जाता है, क्रियाएं खिंची हुई आ जाती हैं। और है की क्रिया है अथवा हैं, ये क्रिया तो निश्चित ही अपने आप आ जाती है। तो ते के सिर्फ इतना कह देने से भी यह बोध हो जाता है कि वे कौन हैं। तो पुस्तक में तीन चित्र दिए हुए हैं और वो देखने से पता चलता है कि बूढ़े लोग हैं। उत्तर होगा ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध लोग हैं। और चित्र में हम देखेंगे कि जो पुस्तक है, इस पुस्तक में सीधे से केवल चित्र दिया हुआ है। उन चित्रों को देखने से पता नहीं चलता है, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो हम लगा देते हैं अपने पहचान पत्र पर, तो उस आई कार्ड को देख की फ़ोटो को देख करके यह नहीं पता चलता कि ये भोजन कर रहे हैं या जा रहे हैं या गा रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। तो अगर केवल सीधी फ़ोटो है तो पता चलेगा कि ये शांत है, और अगर फोटो में हंसते हुए हैं तो पता चलेगा हंस रहे हैं, और रोते हुए हैं तो रो रहे हैं। तो पुस्तक में जो फोटो लगी हुई है उसमें वो कुछ नहीं कर रहे, केवल हल्का सा मुस्करा रहे हैं। तो प्रश्न लिखा हुआ है किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं, गायन कर रहे हैं, कुछ गाना गुनगुना रहे हैं क्या? तो उत्तर होगा नहीं, ते हसन्ति, वे गा नहीं रहे हैं अपितु वे हंस रहे हैं। इसी तरह हम बहुवचन के शब्दों का अभ्यास करेंगे और उनका अभ्यास करके हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। जैसे छात्रः, एषः छात्रः, एषः अध्यापकः, एषः बालकः, एषः गजः, एषः मकरः। अब गजः अर्थात हाथी और मकरः का अर्थ है मगरमच्छ। और बाकी जो शब्द अभी हम बोल रहे हैं उनके अर्थ भी साथ साथ देखते जाएंगे। एषः बिडालः, बिडाल अर्थात जो वन विलाव होता है वो,
एषः मूषकः, अर्थात यह चूहा है। एषः चालकः, चालकः का अर्थ है ड्राइवर, जो चलाते हैं, गाड़ी चलाने का काम करते हैं। एषः गायकः, एषः चंद्रः, एषः अश्वः, एषः दीपकः, एषः घटः। अब ये सारे शब्द जो हमने पढ़े हैं, इन्हीं शब्दों को हम पुस्तक में देखेंगे और द्विवचन में और बहुवचन में भी लिखेंगे। जैसे पीछे हमने पढ़ा था एते, और साथ में कर्ता पद को लगा देंगे, घटह को बहुवचन में लगा देंगे, एते घटाहा, एते दीपकाहा, एते अश्वाहा, एते चंद्राहा। इस प्रकार से हम इन्हीं शब्दों में औ और ए जब बदल कर जोड़ लेंगे तो व्यवहार में एक वचन का भी, द्विवचन का भी और बहुवचन का भी प्रयोग कर सकेंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान देना है, वस्तु या व्यक्ति पास में होगा तो हमें एषः, एतौ, एते इनका प्रयोग करना है, और जब दूर में होगा तब सः, तौ, ते। एक है तो सः, दो है तो तौ, और बहुत सारे हैं तो ते, इनका प्रयोग करना है। शब्द कोश की अभिवृद्धि के लिए पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों की सहायता से हम और भी शब्दों का अभ्यास सीख पाएंगे। इसके लिए पुस्तक का अभ्यास भाग हमको देखना चाहिए। उसमें वर्णों को संयोजित करके लिखना भी सिखाया गया है, तो हम सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे और फिर सभी वर्णों को, अलग अलग लिखे हुए वर्णों को एक साथ जोड़कर भी लिखने का अभ्यास करेंगे। और जो चित्र दिए हुए हैं उन चित्रों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ एक बार अभ्यास करेंगे, और उसके बाद एषः और सः इन दोनों शब्दों के साथ लिखने का अभ्यास करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो यह और वह इन दो शब्दों का प्रयोग सीख पाएंगे। आज हमने केवल पुल्लिंग वाले शब्दों को सुना और पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए ये सीखा है। अगले क्रम में हम शब्द परिचय के द्वितीय पाठ में स्त्रीलिंग के शब्दों को पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। संप्रति भवद्भिः श्रुतम् पाठ्यचर्याधारिता ध्वनिशाला, निर्माणं सहयोगश्च मीनाक्षी कुकरेति, तनु गुप्ता च, ध्वन्यांकनं शानु मुकसीमः, विकास सांगवानश्च, निर्माणं विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।